हेलो हाय गाइस अ वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑन स्मार्ट किडा मॉक ड्रिल थ्री हेल्थ डिपार्टमेंट हैज़ लॉन्च्ड सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज पिनोमिया सक्सेसफुली सो इसका पूरा नाम है सांस कैंपेन और ये लॉन्च किया गया है ताकि रिड्यूस हो सके मोर्टेलिटी इनकिड यानी कि जो मर जाते हैं बच्चे ड्यू टू तो निमोनिया इन मध्य प्रदेश प्रोटोकॉल इम्पैक्ट ट्रेनिंग मॉड्यूल्स फॉर ऑल्सो इन वील्ड विच हैविन डेवलप बाई द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश इन पार्टनरशिप विद पी जी आई एम आर चंडीगढ़ एंड यूनीफ़ तो मध्य प्रदेश के कैपिटल भोपाल है सी एम शिवराज सिंह चौहान हैं गवर्नर आनंदीबेन पटेल है जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ है उसका नाम है सांस सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज नमोनिया सक्सेसफुली आप देख सकते हैं इसके अंदर हमने नैशनल स्टेट अफेयर्स के साथ स्टार्ट किया है लेट्स मूव अट फेबर सात को उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया सिस्टम ऑफ इशूइंग यूनिक सोलह डिजिट यूनिकोड टू मार्क ऑल काइंड ऑफ लैंड होल्डिंग इन द स्टेट ये यूनिकोड नंबर जो होगा लैंड का ये सोलह डिजिट्स का होगा पहले छः डिजिट जो होंगे वो पॉपुलेशन ऑफ द लैंड के बारे में बताएंगे नेक्स्ट चार डिजिट डिटरमाइन करेंगे यूनिक आइडेंटिटी ऑफ द लैंड ग्यारह से चौदह होगा नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द लैंड और लास्ट टू डिजिट्स विल हैव द कैटेगरी एग्रीकल्चर रेजिडेंशियल या कमर्शल लैंड तो बहुत ही आपने ध्यान रखना है ग्यारह से चौदह नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ लैंड है लास्ट दो डिजिट बताते हैं लैंड की कैटेगरी का टाइप राइट right? सो so, उत्तर प्रदेश ने इंट्रोड्यूस किया है सोलह डिजिट यूनिकोड कैपिटल लखनऊ है सीएम योगी आदित्यनाथ है गवर्नर आनंदी बहन पटेल हैं फेबर छ को प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने इनोग्रेट किया है जनरल थिमैया मेमोरियल म्यूजिक एट मदी केरी इन कोडागू डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका ये जो म्यूजियम है कोमोमरेट करता है सर्विसेज और शौर्य वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोल्जर्स ऑफ इंडिया जनरल के एस थिमैया के ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उन्नीस से उन्नीस तक इनका एंसेस्ट्रल हाउस सनी साइड जो है इसे रिनोवेट और कन्वर्ट किया गया है इंटू म्यूजियम सो रामनाथ जी ने इसे इनग्रेट किया है और कोडुगु कर्नाटका में जनरल थिमैया नाइनटीन फिफ्टी सिक्सटी वन तक थे कर्नाटका की कैपिटल बैंगलोर है सीएम बी एस येडियुरप्पा है गवर्नर वाजू भाई बाला हैं एक मिनट गाइस इट्स रिकॉर्डिंग फेबर दस को ओडिशा कैबिनेट की मीटिंग के अंदर फेबर दस को उड़ीसा कैबिनेट की मीटिंग जो प्रिसाइड की गई है सी मिनिस्टर नवीन पटनायक द्वारा उसने अप्रूव किए सत्ताईस प्रपोजल्स इंक्लूडिंग अ प्रपोजल फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट 2002 कैबिनेट ने आल्सो अप्रूव किया है प्रपोजल टू इंप्लीमेंट रिवॉर्ड प्रोजेक्ट इसमें एक्सपेंडिचर है पांच सौ करोड़ का ऑन साइंस बेस्ड मैनेजमेंट फॉर सिक्स ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल दो हजार इक्कीस तो आप देख सकते हैं उड़ीसा कैबिनेट ने सत्ताईस प्रपोजल्स रिसेंटली अप्रूव किए हैं बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट दो हजार दो के अंदर ही आता है, प्रोजे, है प्रोजेक्ट एन प्रोपोजल है टू इंप्लीमेंट रिवॉर्ड प्रोजेक्ट एनवेजिंग एंड एक्सपेंडिचर ऑफ पांच सौ करोड़ ऑन साइंस बेस्ड मैनेजमेंट उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है सीएम नवीन पटनायक है गवर्नर गणेशी लाल है फेबर 10 को केरला गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है केरला नॉलेज मिशन ये एम करता है ट्रांसफॉर्म करने का स्टेट को इंटू नॉलेज इकॉनमी केरला ने लॉन्च किया वेब पोर्टल ऑन डिजिटल वर्कफोर्स मैनेजमेंट सिस्टम अंडर इट्स नॉलेज मिशन ये मिशन जो है प्रोमोट करेगा इनोवेटिव आइडियाज़ को कोऑर्डिनेट करेगा नॉलेज इनिशिएटिव्स को और इक्विप करेगा यंग पीपल को विद अपडेटेड स्किल्स सो केरला ने ये लॉन्च किया है कैपिटल तिरुवनंतपुरम है सीएम पिनरई विजयन है गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है फरवरी 9 को मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड स्टील धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है इन्वेस्टमेंट कॉर्नर अंडर द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल ऑन द रीवैम्प्ड वेबसाइट ऑफ द मिनिस्ट्री ताकि इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इको बन सके तो आप ध्यान रख सकते हैं पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने यह लॉन्च किया है धर्मेंद्र प्रधान जो है मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हैं और मिनिस्टर ऑफ स्टील हैं मध्य प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं फेबररी 9 को भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है हेल्थ एडवांटेज ये एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है जो प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सपेंसेस जो खर्चे होते हैं रिलेटेड टू मेडिकल एक्सीजेंसीज एंड अदर हेल्थ केयर सर्विसेज पॉलिसी आती है साठ दिन के प्री और नब्बे दिन के पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर के साथ इसमें एक वाइड सम ऑफ रेंज इंश्योर्ड है दो लाख से लेकर तीन करोड़ तक का विथ कैशलेस फैसिलिटी और सीमलेस क्लेम प्रोसीजर तो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है ये हेल्थ एडवांटेज इंश्योरेंस पॉलिसी हेडक्वार्टर भारतीय एक के हैं मुंबई महाराष्ट्र में सीईओ हैं संजीव श्रीनिवासन फेब्रवरी 9 को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है ग्लोबल लेवल हैकेथॉन एनसी एनपीसीआई पे ऑथराइजेशन चैलेंज ताकि सॉल्यूशन फाइंड हो सके और ऑल्टरनेटिव फॉर ऑथोराइजिंग यूपीआई ट्रांजैक्शन थ्रू ऑप्शन लाइक बायोमेट्रिक्स ये चैलेंज सपोर्ट किया गया है वर्ल्ड के पहले क्रॉस बॉर्डर ओपन आर्किटेक्चर एपीआई मार्केट प्लेस और सैंड ब्लैक्स प्लेटफॉर्म एपीआई द्वारा एनपीसीआई तो ने ये लॉन्च किया था हेडक्वार्टर मुंबई में है चेयरमैन महापत्रा हैं हैं और CEO दिलीप आस्पे हुआ है में फरवरी को वर्किंग ग्रुप कमेटी डब्ल्यू जीसी जो की सेटअप की गई है आई द्वारा उसने रिकमेंड किया है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडेक्स लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स इंडेक्स लिंक इंश्योरेंस प्रोडक्ट वो है जहां पर रिटर्न्स जो है वो लिंक है बेंचमार्क इंडाइसिस से द लॉक इन पीरियड फॉर इंडेक्स लिंग इंश्योरेंस प्लान है पांच साल तक का तो आप यहाँ पे देख सकते हैं तो वर्किंग ग्रुप कमेटी आई ने रिकमेंड किया है ये इंट्रोडक्शन ऑफ इंडेक्स लिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स लॉक इन प्रोडक्ट है पांच साल हेडकोवार्टर आई आर के हैदराबाद तेलंगाना में है चेयरमैन सुभाष चंद्र कुंतिया हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है इसके सुरेश माथुर है फरवरी दस को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है डिसमेंटलिंग ऑफ द डी कमिशन एयरक्राफ्ट आई एन एस विराट श्री राम शिप ब्रेकर्स ने परचेज किया था इस शिप को थर्टी एट पॉइंट फाइव करोड़ में पटिशन के दौरान ये बोला गया कि जो पटिशनर फर्म है वो डी कमीशन शिप को फ्रॉम श्री राम शिप ब्रेककर सौ करोड़ में खरीदने को तैयार है ये बेसिकली इस शिप को एक म्यूजियम बनाना चाहते हैं या पर्सनल यूज कुछ जो है वो करना चाहते हैं दे डोंट वांट इट टू गेट जिसे कह सकते हैं इसकी मेटल uh, स्क्रैपिंग नहीं चाहते हैं वो तो एयरक्राफ्ट आई एन विराट जो है वो इंडक्ट हुआ इंडियन नेवी में उन्नीस में डी कमीशन हो गया है दो यानी कि में यानी फुल थर्टी की सर्विस के बाद फरवरी 11 को सिडबी ने विद द कॉन्फेडरेशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया कोवे लॉन्च किया है स्वावलंबन सशक्त एक मेगा कैंपेन ये 20 वेबिनार सीरीज है टू तो गिव अ फिलिप टू तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम स्कीम के अंदर बैंक प्रोवाइड कर रहा है लोन दस लाख से लेकर एक करोड़ तक के टू तो एटलीस्ट वन एस और एस टी और एटलीस्ट वन वुमेन बोरोवर पर बैंक ब्रांच फॉर सेटिंग अप अ ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज तो सिडबी और कोवे ने लॉन्च किया है ये अंडर द स्कीम बैंक प्रोवाइड्स लोन बिटवीन 10 लाख से 1 करोड़ टू तो एससी और एसटी टी वुमेन बोरोवर हेड क्वार्टर ऑफ सिडबी लखनऊ यूपी में है चेयरमैन मोहम्मद मुस्तफ़ा है एस्टैब्लिश हुआ है उन्नीस सौ नब्बे में हेडक्वार्टर ऑफ कोवे हैं हैदराबाद तेलंगाना में फाउंडर और प्रेजिडेंट है सऊ धामिनी प्रोदुतारी टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन फोरकास्टिंग और असेसमेंट काउंसिल टिफैक ने अनवेल किए हैं दो न्यू इनिशिएटिव्स ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन द ओकेजन ऑफ टर्टी फोर्थ फाउंडेशन डे सक्षम एक डायनेमिक जॉब पोर्टल है जो मैप करता है स्किल्स को श्रमिक की विज अर रिक्वायरमेंट्स ऑफ मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एंड सी वीड मिशन फॉर कमर्शियल फार्मिंग ऑफ सी वीड्स एंड इट्स प्रोसेसिंग फॉर वैल्यू एडिशन तो टिफैक ने ये दो न्यू इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं सक्षम एंड सी वीड मिशन सक्षम का मतलब है श्रमिक शक्ति मंच फरवरी 10 को ये थर्टी फाउंडेशन डे ऑफ डिफेक्ट पे लॉन्च हुए हैं गवर्नमेंट ने सेटअप किया है नोडल अथॉरिटी जो अप्रूव्ड स्टैंडर्डाइज डीप फिशिंग सी वेसल डिजाइन और स्पेसिफिकेशन के फ्रेम कर सके ताकि फिशरीज डिपार्टमेंट को हेल्प हो सके प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अप्लाई करने में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना फ्लैगशिप स्कीम है इन्वेस्टमेंट अमाउंट है इसका बीस करोड़ रुपए बीस करोड़ रुपए और ये पाँच साल के बिगिनिंग से चलेगी फ्रॉम अप्रैल वन से 2020 तक फेबरवरी दस को कर्नाटका डिजिटल इकोनॉमी मिशन ने इनाग्रेट किया है और इसमें इनाग्रेट हुआ है और इसका मिशन है टू इंक्रीज डिजिटल इकोनॉमी कॉन्ट्रीब्यूशन टू जी डी पी टू थर्टी परसेंट तो ये बियॉन्ड बेंगलुरु रिपोर्ट है जिसमें बोला गया है कि इससे ये टारगेट जो है अचीव हो जाएगा के डी एम जो है वो चाहता है कि आई टी और आई टी ई ए सेक्टर जो स्टेट में है वो दस लाख जॉब क्रिएट कर सके बाय दो हज़ार पच्चीस तक तो ये आप देख सकते हैं कर्नाटका की कैपिटल बैंगलोर हैं सीएम बी एस येद्यूरपा हैं गवर्नर वाजूभाई वाला हैं। नितिन गडकरी ने कॉल किया है ऑल राउंड एफर्ट्स बाय ऑल स्टेक होल्डर्स ताकि डेथ्स ना हो सके रोड एक्सीडेंट्स में और कम से कम 50 परसेंट डेथ जो है वो डिक्रीज हो जाए इंडिया स्टैंड करता है अभी नंबर वन पोजिशन में इन रोड एक्सीडेंट्स इन द वर्ल्ड अहेड ऑफ यू और चाइना उन्होंने इनागरेट की है वेबिनार सीरीज़ जो कि लॉन्च की गई थी बाय इंटरनेशनल रोड फेडरेशन ऑन द थीम ऑफ रोड सेफ्टी चैलेंजेस इन इंडिया प्रिपरेशन ऑफ एन एक्शन प्लान तो रोड मिनिस्ट्री ने ये प्लान किया है टू रिड्यूस डेथ ड्यू टू रोड एक्सीडेंट्स बाय फिफ्टी परसेंट बाई रोड एक्सीडेंट्स इन द वर्ल्ड फर्स्ट इंडिया में है सेकेंड यू में है थर्ड चाइना में है थीम ऑफ वेबिनार सीरीज लॉन्च बाई इंटरनेशनल रोड फेडरेशन है रोड सेफ्टी चैलेंजेस इन इंडिया एंड प्रिपरेशन ऑफ एन एक्शन प्लान आई सी आई सी लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है गोल बेस्ड सेविंग प्रोडक्ट आई सी आई सी आई प्रू गारंटिड इनकम फ्रॉम टुमारो गिफ्ट जो कि प्रोवाइड करता है गारंटेड इनकम टू पॉलिसी होल्डर्स ताकि वो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स अपने अचीव कर सकें एक अनदर यूनिक एस्पेक्ट आई सी आई सी आई प्रू गारंटेड इनकम फ्राम टुमारो का है कि सेव फॉर द डेट फीचर सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आई सी आई सी आई प्रोडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और एम डी ओ सी हो एन एस कानन है इंडियन आर्मी ने ले किया है फाउंडेशन स्टोन ऑफ द टॉलेस्ट इंडियन नेशनल फ्लैग इन गुलमर्ग इन जम्मू कश्मीर फ्लैग जो है वो हाई हंड्रेड हाई फीट हाई पोल होगा तो इंडियन आर्मी ने ले की है इसकी फाउंडेशन स्टोन जम्मू कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है चीफ ऑफ हमारे जनरल स्टाफ आर्मी स्टाफ है मनोज मुकुंद नवराने वाइस चीफ हैं चंडी प्रसाद मोहंती हेडक्वार्टर इंडियन आर्मी का न्यू दिल्ली में है ट्विटर ने सस्पेंड किए पांच सौ अकाउंट और ब्लॉक किए थे सेवरल अकाउंट्स फॉर सेवरल आर्ट्स इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोटेस्ट किया था कि किस इन्फॉर्मेशन और इन्फ्लेमेटरी कंटेंट जो है फॉर्मर प्रोटेस्ट का वो फैल रहा है ट्विटर सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएसए में है सीईओ जैक डॉर्सी हैं फरवरी बारह को यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने वर्चुअली इनागरेट किए हैं मोर देन फिफ्टी सेवन थाउजेंड वाटर स्ट्रक्चर इनकी कॉस्ट थी दो हजार करोड़ और ये मध्य प्रदेश के अंदर अंडर जल अभिषेकम कैंपेन और महात्मा गांधी अनारागा प्रधानमंत्री कृषि इरीगेशन स्कीम फ्रॉम न्यू डेली के अंदर आए हैं तो ये फिफ्टी सेवन थाउजेंड वाटर स्ट्रक्चर्स हैं ये जल अभिषेकम कैंपेन मगनरेगा और पीएम पी कृषि इरीगेशन स्कीम के अंदर आते हैं एमओयू साइन हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट और उत्तराखंड गवर्नमेंट के बीच में फॉर सेटिंग अबाउट वन करोड़ साइंस सिटी इन देहरादून ये एमओ जो है ये उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम के बीच में साइन हुआ है देख सकते हैं आप फ्लैगशिप डिजिटल प्लेटफॉर्म टू मॉनिटर एंड मैनेज प्रोग्राम कोविन वायरस कॉन्टैक्टर गवर्नमेंट इंटीग्रेट किया है कोविन प्लेटफॉर्म को विद आरोग्य सेतु ऐप फरवरी 11 को यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल स्मृति ईरानी यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल ने है वेबसाइट इंडिया टू फेयर डॉट इन ये इंडिया का फर्स्ट इंडिया टॉय फेयर है जो कि ऑर्गेनाइज होगा फरवरी सत्ताईस से लेके मार्च दो तक तो फर्स्ट टॉय फेयर है रमेश पोखरियाल निशंक स्मृति ईरानी और पीयूष गोयल ने जॉइंटली लॉन्च किया इसे इंडिया का फर्स्ट टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर आएगा कोपल कर्नाटका में मध्य प्रदेश ने डिसाइड किया है टू तो सेटअप पुलिस म्यूजियम शोइंग ट्रेसेज ऑफ फूलन देवी निर्भय गुजर और अदर डोकॉयट्स इन द चंबल रिवर नेबरिंग भीण डिस्ट्रिक्ट तो ये पुलिस म्यूजियम ऑन डेकोइट है जो कि सेटअप होगा भीड़ मध्य प्रदेश में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने पहला एवर डिक्लेरेशन लिया है फॉर सस्टेनेबल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर एंड प्रेस किया है फॉर स्ट्रोंगर एक्शन टू कॉम्बैट इन अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग ये डिक्लेरेशन पार्ट था चौतीसवें सेशन का ऑफ द फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कमेटी ऑफ फिशरीज सीयूएफ वन थ्री फोर जिन्होंने अपनी वीक ऑन एंड लॉन्ग मीटिंग में फरवरी आठ को डिसीजन लिया पच्चीस पॉइंट पांच करोड़ जो है वो एलोकेट हुए हैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के लिए एफ सेलिब्रेट करेगा रोल ऑफ स्मॉल स्केल फिशर्स वुमेन ड्यूरिंग द इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इन दो रशिया हैज बिकम अ पार्टी टू द एग्रीमेंट ऑन प्रोस्टेट मेजर और इन्होंने ज्वाइन किया है अदर 68 एट एफ को एफ जो मेंबर्स हैं ये जो हेडक्वार्टर इसके रोम इटली में है डायरेक्टर जनरल क्यू डोंग यू हैं फॉर्मेशन हुई है इसकी 16 अक्टूबर 1945 को फरवरी 9 को इंडिया गवर्नमेंट ने ले किया है फाउंडेशन ऑफ द सेकेंड डैम नेम्ड लालंदर डैम पॉपोली नो शतूत इन काबुल अफगानिस्तान में ये पार्ट है इंडिया की न्यू डेवलपमेंट असिस्टेंस का इन अफगानिस्तान इंडिया ने ले किया है फाउंडेशन प्रेजिडेंट अशरफ घानी है फरवरी नौ को न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर जेकंडा एडन ने अनाउंस किया है कि गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दी है ऑल हाई लेवल पॉलिटिकल एंड मिलिट्री कॉन्टेक्ट विद म्यांमार न्यूजीलैंड ने ऑल्सो ट्रेवल बैन इम्पोज कर दिया है म्यांमार के मिलिट्री लीडर्स के ऊपर तो न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन है करेंसी डॉलर है म्यांमार की कैपिटल न्यापिताओ है करेंसी कयात है प्रेजिडेंट विन मिंथ है यूएस ने कहा है कि वो लाइकली ज्वाइन करेगा यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल को ये जो डिसीजन है ये ड्रॉ करेगा क्रिटिक्स फ्रॉम कंजर्वेटिव लॉ मेकर्स एंड मेनी इन द प्रो इसराइल कम्युनिटी तो यू डिसाइड करेंगे ज्वाइन करेगा हेडक्वार्टर यू एन के जिनेवा स्विट्जरलैंड में है प्रेजिडेंट नजाहत शमीन खान है ये आप देख सकते हैं फरवरी 10 को यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अनाउंस किया है फॉर्मेशन ऑफ अ स्पेशल डिपार्टमेंट टास्क फोर्स ऑन चाइना और ऑर्डर किया है इमीडिएट रिव्यू ऑफ द मिलिट्री स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू द चैलेंज फ्रॉम बीजिंग तो यूएस प्रेजिडेंट ने अनाउंस किया है स्ट्रेटेजिक दिफ, स्पेशल डिफेंस डिपार्टमेंट पेंटागन टास्क फोर्स राइट चाइना की कैपिटल बीजिंग है भी उसकी करेंसी है जी जिन है जिनपिंग फरवरी दस को म्यांमार बेस्ड आर्मर्ड इंसर्जेंट ग्रुप चीन इंटरनेशनल आर्मी ने सॉट असाइलम किया है फॉर देर फैमिलीज इन इंडिया इन वेक ऑफ द मिलिट्री कूप इन द नेबरिंग कंट्री जो सी एन ए है वो आर्म्ड विंग है ऑफ द चीन नेशनल फ्रंट और इसमें चालीस लोगों के लिए असाइलम मांगा गया है मिजोरम जो है 404 किलोमीटर का पोरस इंटरनेशनल बॉर्डर विद म्यांमार शेयर करता है फरवरी 9 को तर्किश प्रेसिडेंट रेसिप तय्यप अर्डोगन ने अनवेल किया है एम्बिशियस 10 ईयर स्पेस प्रोग्राम फॉर इस कंट्री जो कि इंक्लूड करता है 2023 का मून मिशन जिसमें कि तर्किश एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाएंगे और डिवेलप करेंगे इंटरनेशनली वायबल सेटेलाइट सिस्टम तर्की की कैपिटल अंकारा है करेंसी लीरा है प्रेजिडेंट रेसिप तय्यप अर्डोगन है फरवरी नौ को इंडिया के लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर लेंडर एच डी एफ सी बैंक ने इन्वाइट किए एप्लीकेशन फॉर स्टार्टअप्स एंड सोलो एंटरप्रिन फॉर इट स्मार्टअप ग्रांट्स अंडर द कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रांड परिवर्तन विंडो फॉर अपलाइंग क्लोज ऑन फरवरी सोलह दो हजार इक्कीस स्मार्टअप ग्रांट्स आर अ पार्ट ऑफ बैंक्स अम्ब्रीला सी एस आर ब्रांड तो ये परिवर्तन है एम डी ओर सी उसको शशिधर जगदीशन है टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड मुंबई महाराष्ट्र में इसके हेडक्वार्टर्स हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने सेटल किया है 400 मिलियन डॉलर का करेंसी स्वैप फैसिलिटी फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन फरवरी 2020 हज़ार बीस बोथ कंट्रीज ने क्लैरिफाई किया कि दैट द डिपार्टमेंट्स वर नॉट लिंक्ड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया श्रीलंका ने 400 मिलियन करेंसी स्वैप फैसिलिटी आर के साथ की है हेडक्वार्टर आर बी के मुंबई में है गवर्नर शक्तिकांता दास हैं एस्टैब्लिश हुआ है एक अप्रैल उन्नीस सौ पैंतीस में हेडक्वार्टर ऑफ सी बी एस में है गवर्नर डब्ल्यू लक्ष्मण है फरवरी दस को पंजाब नेशनल बैंक ने साइन किया एम ओ यू विद आई ओ सी एल ताकि वो फाइनेंसिंग नीड्स ऑफ इंडियन ऑयल को केटर कर सकें और प्रोवाइड कर सकें अप तो टू रुपीज टू करोड़ एम ओ यू बेनिफिट करेगा डीलर्स को विद क्रेडिट फैसिलिटीज़ एट लोअर इंटरेस्ट रेट्स निल मार्जिनस और विद मिनिमम ऑफ जीरो और जीरो कोलेट्रल रिक्वायरमेंट्स थ्रू द पी एन बी ई डीलर स्कीम तो ये जो एम ओ यू है जो करोड़ लोन देगा डीलर्स को फरवरी 10 को आर ने कहा है कि वो रिस्ट्रिक्शंस पुट करेंगे ऑन विद्रॉल फ्रॉम इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बिकॉज ऑफ द लेंडर्स प्रेजेंट लिक्विडिटी पोजीशन हाउ एवर नाइन्टी नाइन पॉइंट एट नाइन परसेंट ऑफ द डिपॉजिटर्स आर फुली कवर्ड बाई द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन इंश्योरेंस स्कीम ये रिस्ट्रिक्शंस कवर रहेंगी फॉर अ पीरियड ऑफ सिक्स मंथस ऑफ इंडिपेंडेंस बैंक है नासिक महाराष्ट्र में फरवरी नौ को आर बी आई ने अनाउंस किया है परचेज दैट इट विल परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वर्थ बीस हज़ार करोड़ थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन इससे कैप हो सकेंगे यील्ड्स ऑफ ट्रेजरी बॉन्ड्स और सपोर्ट हो सकेगा गवर्नमेंट का एक्सपैंड बोरोइंग प्रोग्राम ओ एम ओ पार्ट ऑफ आर बी आईज ऑपरेशन ट्विस्ट है टू ईस्ट प्रेशर इवॉल्विंग लिक्विडिटी सेंट्रल बैंक जो है वो परचेज करेगा लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी मेच्योरिंग इन दो हजार चौबीस अट्ठाईस तीस एंड चौंतीस सो ये आप देख सकते हैं डिफेंस अफेयर में आते हैं इंडिया के नेवी के जो लार्जेस्ट वॉर गेम है द बाईनएल थिएट्रल लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज ये विद पार्टिसिपेशन ऑफ इट ऑल इट्स ऑपरेशनल यूनिट्स एज वेल एज ऑफ द आर्मी एयरफोर्स कोस्ट गार्ड इन्होंने थर्ड फेज कंप्लीट किया है जिसका नाम था वेपन वर्कअप फेस ऑफ ट्रोपेक्स ये इंडियन ओशन रीजन के अंदर हुई है तो ट्रोपेक्स ट्वेंटी कंडक्ट हुई थी तीन फेजिस में कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज सी विजिल ट्राई सर्विस ज्वाइंट एम फीबीएस एक्सरसाइज एम वेपन वर्कअप फेस ऑफ ट्रोपेक्स फरवरी ग्यारह को भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने बैक किया है ऑर्डर फ्रॉम द इंडियन नेवी ऑफ़ अप्लाइंग टू सुपर रैपिड गन माउंट्स मेन गन स्टैंडर्डाइज फॉर ऑल वॉरशिप्स ऑफ द इंडियन नेवी तो भेल ने ये इंडिजनाइज तीन गन्स एस्टेब्लिश ने ये भेल के पास ये तीन इंडिजेनाइज गन्स है और इसकी जो इंटीग्रेट मैन्युफैक्चरिंग इंस्पेक्शन फैसिलिटीज हैं हेवी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट प्लांट हरिद्वार के अंदर तो ये आप देख सकते हैं फरवरी नौ को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है न्यू सेक्ट, सेंट्रल सेक्टर स्कीम टाइटल फॉर्मेशन एंड प्रोमोशन ऑफ टेन थाउजेंड फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन इसकी क्लियर स्ट्रेटजी और कमिटमेंट होगी रिसोर्सेज की टू फॉर्म एंड प्रोमोट टेन थाउजेंड न्यू एफपीओ इंडिया बजटरी प्रोविजन ऑफ छे हजार आठ सौ पैंसठ करोड़ एफपीओ प्रोवाइड किए जाएंगे फाइनेंशियल असिस्टेंस अपू रुपीज अठारह लाख पर एफ पी ओ फॉर अ पीरियड ऑफ थ्री इस गोल हैचीव डबलिंग ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बाई दो मोर देन छियासी परसेंट ऑफ फार्मर्स इन इंडिया स्मॉल एंड मार्जिनल इन एडिशन टू दिस प्रोविजन हैज बिन मेड फॉर मैचिंग इक्विटी ग्रांट अप टू रूपीज टू थाउजेंड पर फार्मर में लिमिट ऑफ पंद्रह लाख एफपीओ एंड क्रेडिट गारंटी फैसिलिटी और करोड़ ऑफ प्रोजेक्ट लोन आप ये देख सकते हैं मतलब right? है, बायजू इंडिया का लार्जेस्ट एडुटेकोबल पार्टनर फ्रॉम दो हजार इक्कीस से तेईस तक यह थ्री एग्रीमेंट सी करेगा बायजू पार्टनर को ऑल आईसीड इंक्लूडिंग आईसीसी मैन टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप इन इंडिया और आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप इन न्यूजीलैंड फरवरी नौ को हरियाणा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है टू तो ग्रांट प्रिपरेशन मनी ऑफ रुपीज पांच लाख टू तो एनकरेज द तो स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ हरियाणा जिन्होंने ओलंपिक स्खेल क्वालिफाई की हैं कैबिनेट ने ऑल्सो मूव किया है प्रोपोजल फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द हरियाणा आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन रूल दो विद हरियाणा आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन सर्विस रूल दो तो अपर एज जो इसके अंदर लिमिट है वो 50 से 42 साल तक रिड्यूस कर दी गई है एवरी ईयर फरवरी दस और अगस्त दस को ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल डी वार्मिंग डे ये डे इंटेस्टाइनल वार्मस को रेडिकेट करने के लिए आता है और चिल्ड्रन जो इससे इन्फेक्ट होते हैं मोस्टली वो एज बैकेट एक से उन्नीस साल के अंदर फॉल करते हैं वर्ल्ड पल्सेस डे जो है वो फॉल करता है फरवरी 10 को ईच ईयर और पल्सेज जो हैं ग्लोबल फूड रिकॉग्नाइज्ड हैं यू एन जनरल असेंबली में 2019 में डेडिकेट किया था एक डे पल्सिस के लिए ताकि अवेयरनेस इंक्रीज हो सके और टू पर्सेस तो ग्लोबली जाए तो वर्ल्ड डे 2021 है अंडर द पल्सिसव पल्सिस फरवरी नौ को आरबीआई ने ऑब्जर्व किया फाइनेंशियल लिटरेसी वीक फ्रॉम फेबर आठ टू बारह ऑन द थीम ऑफ क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशन तो आरबीआई जो है कंडक्ट करता रहता है फाइनेंशियल लिटरेसी वीक एवरी ईयर इन 2016 हजार सोलह टू प्रोपोगेट फाइनेंशियल एजुकेशन मैसेजेस ऑन अ पर्टिकुलर थ्रीम अक्रॉस द कंट्री। फरवरी आठ को बर्थ एनिवर्सरी है जाकिर हुसैन की ये प्रेसिडेंट बने थे सेवन में ये थर्ड प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया थे और बॉर्न हुए थे हैदराबाद स्टेट के अंदर इन सेंट्रल इंडिया ये इंडियन इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिशियन थे जिनकी टेन्यर ऑफ प्रेजिडेंटशिप थी फ्रॉम थर्टीन मे 1967 सिक्सटी अनटिल हिज डेथ ऑन थर्ड मे 1969 इनको अवार्ड हुआ था भारत रत्न इन 1963 फरवरी 11 वर्ल्ड यूनानी डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल टू कमरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विजनरी स्कॉलर हाकिम अजमल खान इन्होंने डिवेलपमेंट यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किया था ये ईयर मार्क करता है फिफ्थ वर्ल्ड यूनानी डे को नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन यूनानी मेडिसिन वॉज हेल्ड एट न्यू डेली विद द थीम यूनानी मेडिसिन अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस इन द टाइम्स ऑफ कोविड नाइन्टीन आप देख सकते हैं फरवरी 11 को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन और गर्ल्स इन साइंस ऑब्जर्व हुआ था एनुअली बाय द यूनाइटेड नेशंस ताकि इंकरेज कर सके इन्वॉलमेंट ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन इनटू द फील्ड ऑफ साइंस और उनके जो एफर्ट्स वो पुट करते हैं उसे लॉर्ड कर सकें इन स्टेम्प सब्जेक्ट्स तो इस ईयर की थीम थी वुमेन साइंटिस्ट एट द फोर ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड नाइन्टीन सेफर इंटरनेट डे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल ऑन द सेकेंड डे ऑफ द सेकेंड वीक ऑफ फेबर इसका एम है टू प्रोवाइड सेफर एंड बेटर इंटरनेट ये ईयर मार्क करता है अठारह एडिशन ऑफ द सेफर इंटरनेट डे जो फेबर नौ को फॉलो होता है दिस ईयर द थीम इज टूगेदर्ल्ड एपिलेप्सी डे ऑब्जर्व हुआ है आठ फरवरी को ईच साल एप्सिलेप्सी जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है जो कि लीड करती है सीजर्स और पीरियड ऑफ अनयूजल बिहेवियर सेंसेशन या समाइम लॉस ऑफ अवेयरनेस को भी इस साल इसकी थीम है एपिलेप्सी इज मोर देन सीजर्स ऑन ओकेजन ऑफ नेशनल प्रोडक्टिविटी डे जो कि ऑब्जर्व हुआ था फरवरी 12 को और क्रिएट किया गया था क्रिएटेड बाय नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल टेली सोल्यूशंस हैज ऑर्गेनाइज एन इंसाइटफुल पैनल इवेंट इन एसोसिएशन विद सी आई एम और एमएसएमई फोरम थीम ऑफ द इवेंट है एनहेंसिंग प्रोडक्टिविटी थ्रू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फरवरी 11 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बीजेपी प्रेजिडेंट जेपी नड्डा ने फ्लोरल ट्रिब्यूट दिया है भारतीय जनसंघ के लीडर दीन दयाल उपाध्याय को उनकी डेथ एनिवर्सरी पे ये हर साल मनाई जाती है एज समर्पण दिवस इन इंडिया इंडिया ने सेलिब्रेट किया है सरोजनी नायडू का बर्थडे एज नेशनल वुमेंस डे एवरी ईयर ऑन फेबर तेरह पे ये फेबर तेरह अठारह को बॉर्न हुई थी शी शिवॉस फेमस फॉर हर निक नेम नाइट एंगल ऑफ इंडिया और भारत को किला बिकॉज ऑफ हर पोएम्स ये साल उनकी एक सौ बर्थ एनिवर्सरी थी वो पहली वुमेन गवर्नर बनी थी यूनाइटेड प्रोविंसेस यानी कि प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश की, की। फरवरी 10 को एटींथ एडिशन ऑफ बायो एशिया शेड्यूल हुआ था फरवरी 22 से 23 2021 तक इसमें फोकस था कोविड 19 ग्लोबल हेल्थ फार्मा एंड मेरिटेक पे थीम ऑफ द इवेंट था मूव द नीडल

सो इनोवेशन इन पैकेजिंग रिड्यूसिंग पैकेजिंग वेस्ट इनोवेशन इन फूड सप्लाई अवॉइडिंग वेस्ट क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर प्लास्टिक वेस्ट रिडक्शन रिसाइकलिंग क्रिटिकल एनर्जी मेटल्स एंड ई वेस्ट तो ये आप देख सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट फरवरी आठ को इंडियन ड्रामा तमिल फिल्म पेबल्स डायरेक्टेड बाय फिल्म मेकर विनोद राज पी एस ने वॉर्न किए हैं टॉप ऑनर टाइगर अवॉर्ड फॉर द बेस्ट फिल्म एट द फिफ्टी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रॉटरडैम टाइगर अवार्ड जो है कंपनी किया जाता है बाय यूरो 40, कैश प्राइस फिल्म डायरेक्टेड है विनोद राज द्वारा फरवरी आठ को इंडिया के यंग विकेट कीपर एंड बैट्समैन ऋषभ पंत ने वन किया है आईसीसी मैन प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जनवरी 2021। साउथ अफ्रीका के शबनिम इस्लाइम इस्माइल को नेम किया गया है आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जनवरी 2021। हजार इक्कीस मनसा वारणसी जो कि इंजीनियर है तेलंगाना से इमर्ज की एज द विनर ऑफ हैलसीसी फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड ट्वेंटी ट्वेंटी हरियाणा की मनिका श्योकंद को डिक्लेयर किया गया है वीएलसी फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2020 उत्तर प्रदेश की मान्या सिंह को क्राउन किया गया है वीएलसीसी मिस इंडिया 2020 रनर अप बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने बैक किया है ग्लोबल रिकॉग्निशन फ्रॉम एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड अंडर द वी आर हेयर फॉर यू अम्बरेला बाई ए एल वेरियस कैंपेन्स वर लॉन्च टू स्प्रेड द मैसेज एंड रीबिल्ड पैसेंजर कॉन्फिडेंस इन एयर ट्रेवल फॉलोइंग द

इमेज टाइटल्ड वॉस टाइटल ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है और पीएम स्कॉट मॉरिसन है फरवरी 10 को सीनियर आईएएस ऑफिसर ऑफ द 1987 बैच फ्रॉम केरला कैडर वीपी जॉय टेक चार्ज किया है उन्होंने न्यू स्टेट चीफ सेक्रेटरी का ये नाम ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी है इन द रैंक ऑफ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तो डॉक्टर जॉय एज्यूम करेंगे चार्ज मार्च एक दो को बाय रिप्लेसिंग विश्वास मेहता केरला की कैपिटल थिरुवनतपुरम है सीएम पी नरई विजयन है गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है सुशांत दास को अपॉइंट किया गया है एज दी न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द टाटा स्टारबक्स अपॉइंटमेंट इफेक्टिव होगी मई एक से ये फॉलो करेंगे नवीन गुदान को तो ये न्यू सी बने हैं स्टारबक्स के हेडक्वार्टर टाटा स्टारबक्स के मुंबई महाराष्ट्र है सी इसके इसके अवनिधाव है फरवरी 11 को असम गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है हीमा दास एज द डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस निक नेम्ड है इनका ढींगा एक्सप्रेस हिमा दास को 20 ईयर ओल्ड इंडियन स्प्रिंटर फ्रॉम असम है

ये पहले अपॉइंटेड थे एज एन एडिशनल जज ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने रिसीव किए चौबीस हजार चार सौ तीस करोड़ फॉर द फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू जो कि जीरो पॉइंट सात परसेंट है यूनियन बजट का जैसा कि आप देख सकते हैं लास्ट ईयर के अनाउंसमेंट में उन्होंने तीस हजार सात करोड़ रुपए रिसीव किए थे

प्लान इंक्लूड करता है क्रिएशन ऑफ थर्टी फिशिंग लैंड जेंटी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो अपॉइंट करेंगे सागर मित्रा फॉर ईच ऑफ द फिशिंग विलेजेस इन गोवा फरवरी 11 को नेशनल इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने अनाउंस किया है न्यू डेवलपमेंट बैंक जो कि कमिटेड है टू इन्वेस्ट 100 मिलियन डॉलर्स इन द एनआईआई फंड ऑफ फंड्स तो एनडीबी ज्वाइन करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एआईआईबी और एडीबी को एज ए इन्वेस्टर इन द एफओएफ फंड ऑफ फंड्स में एन जो है अभी करेंटली तीन फंड्स को मैनेज करता है विद डिस्टिंक्ट स्ट्रैटेजीज मास्टर फंड फंड ऑफ फंड्स और स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटीज फंड राइट हेड क्वार्टर एन के शंघाई चाइना में है प्रेजिडेंट मार्कोस टोरियो जो है हेडक्वार्टर एन के न्यू दिल्ली में है एम और सीईओ सी बोस हैं फाउंड हुआ है दो में कैबिनेट कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर जो कि चेयर की, की गई है पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा उन्होंने अप्रूव किया है प्रोपोजल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स फॉर ग्रांटिंग एड ऑफ रुपीज सौ करोड़ टू ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड नाम रूप असाम ताकि सस्टेन हो सके इसके ऑपरेशन ऑफ यूरिया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हेडक्वार्टर बी डब्ल्यू बी वी एफ सी एल के नाम रूप असाम में फरवरी 12 को एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड किए हैं 400 मिलियन डॉलर टू मालदीव्स ताकि फंड हो सके 6.7 किलोमीटर ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट ये टर्मिनल यूटिलाइजेशन पीरियड है इसकी 60 मंथ्स की आफ्टर द शेड्यूल्ड कंप्लीशन डेट ऑफ द प्रोजेक्ट तो एक्सिम बैंक ने चार मिलियन डॉलर मालदीव्स को देने का फैसला किया है फॉर द मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट मालदीव्स की करेंसी है मालदीवियन रूफिया मेल इसकी कैपिटल है प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोलीह एक्जिम बैंक के हेडक्वार्टर्स है मुंबई में रैंक रिपोर्ट्स एंड सर्विस की बात करें तो इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 जो कि रिलीज़ की जाती है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द्वारा उसने कहा है कि इंडिया ओवरटेक करेगा ईयू को एज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर बाय 2030। हज़ार इंडिया की नेट डिपोर्टमेंट डिपेंडेंस ऑन ऑयल इम्पोर्ट भी राइज होगी टू नाइन्टी परसेंट बाई दो तक एंड नाइन्टी दो तक इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड बिगेस्ट ऑयल इम्पोटर है आफ्टर चाइना और सोलह परसेंट ग्लोबल कोल्ड ट्रेड के अंदर भी अकाउंट करता है आई ई के हेड क्वार्टर्स पेरिस फ्रांस में है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर फेथ बिरोल है फरवरी दस को आई आर डी आई ने अपनी लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट में कहा है कि ऑल सेटलमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी फॉर द ईयर नाइनटीन ट्वेंटी टू ट्वेंटी उसके अंदर डिटेल की है तो मैक्सिमम मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की हाइएस्ट क्लेम सेटलमेंट रेशियो है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्लेम्स इसको फॉलो करते हैं एच लाइफ इंश्योरेंस और टाटा ए आई ए लाइफ इंश्योरेंस रिस्पेक्टिवली एल का क्लेम सेटलमेंट रेशियो है 96.69 परसेंट फॉर द ईयर 2019 टू 20। आई आर डी आई के हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना में है चेयरपर्सन है सुभाष चंद्र खूंतिया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सुरेश माथुर एक्विजीशन एंड मर्जेस की बात करते हैं गेल ने एक्वायर किया है पांच स्टेक ऑफ द इंडियन एनर्जी एक्सचेंज इन इट साम इंडियन गैस एक्सचेंज गेल थर्ड स्ट्रैटेजिक्डेस्टर है आई के अंदर आई जी एक्स के हेडक्वार्टर है अहमदाबाद गुजरात में है हेड दीपक मेहता है हेडक्वार्टर ऑफ आई एक्स न्यू दिल्ली में है इंटर एम एम डी एन सी ओ सत्यनारायण गोयल है हेडक्वार्टर ऑफ गेल न्यू दिल्ली में है सी एम डी मनोज जैन है फरवरी ग्यारह को गवर्नमेंट ने प्लान किया है टू सेल्स ट्वेंटी परसेंट ऑफ इट्स स्टेक्स इन नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड थ्रू एन ऑफर फॉर सेल गवर्नमेंट होल्ड करती है सेवेंटी फोर पॉइंट सेवन परसेंट स्टेक इन एन एफ एल जो कि सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है यूरिया का इन इंडिया सेल जो है फच कर सकता है गवर्नमेंट को अराउंड रुपीज फोर हंड्रेड एंड एट करोड़ हेड क्वार्टर एन एफ एल नोएडा यूपी में है एम डी चेयरमैन वीरेंद्र नाथ दत्त है देख सकते हैं आप फरवरी ग्यारह को भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बाई आउट करेगा छत्तीस पॉइंट छः दो परसेंट स्टेक ऑफ भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड शेयर इन बीना रिफाइनरी प्रोजेक्ट दो हज़ार चार सौ करोड़ में बी पी सी एल जो है करंटली होल्ड करता है सिक्सटी थ्री पॉइंट सिक्स एट परसेंट स्टेक इन बी ओ आर एल बी ओ आर एल इनकॉरपोरेट हुआ है फरवरी उन्नीस सौ चौरानवे में टू तो बिल्ट अ रिफाइन रेट बीना इन मध्य प्रदेश तो आप ये देख सकते हैं हेडक्वार्टर बी पी सी एल की मुंबई महाराष्ट्र में है सी एम डी के पदमाकर है हेडक्वार्टर है, ऑफ बी ओ आर एल बीना मध्य प्रदेश में है चेयरमैन डी राजकुमार है एम डी एम बी पिंपाले है फरवरी दस को कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है बैंक ऑफ इंडिया का एक्विजिशन और फॉर्टी नाइन परसेंट स्टेक ईच इन बी ओ आई एक्सा इन्वेस्टमेंट मैनेजर प्राइवेट लिमिटेड एंड बी ओ आई एक्सा ट्रस्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड सेंट टू दिस ट्रांजेक्शन बैंक ऑफ इंडिया होल्ड करेगा सौ परसेंट इक्विटी इन बी ए आई एम एंड बैट्स में तो सीसीआई जो है ये अप्रूव किया है एक्विजिशन हंड्रेड परसेंट शेयर और सोल कंट्रोल ऑफ वरियन मेडिकल सिस्टम बाय सीम इन हेल्थ की हेडक्वार्टर कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के न्यू दिल्ली में चेयरमैन अशोक कुमार गुप्ता है एस्टेबलिश हुआ है दो हजार तीन में हेडक्वार्टर बीओ आई के मुंबई महाराष्ट्र में है CEO श्री अंतनु कुमार दास है एम ओ और पार्टनरशिप्स की बात करें तो फरवरी नौ को एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने पार्टनर किया है मास्टर कार्ड के साथ ताकि वो प्रोवाइड कर सके पैन इंडिया कॉन्टेक्ट लेस क्यू कोड बेस्ड कैश विदड्रॉल एट ए टी एम मास्टरकार्ड कार्ड होल्डर्स ऑल्सो एबल हैं होंगे विडड्रॉ करने के लिए कैश बाई स्कैनिंग अ क्यू आर कोड डिस्प्लेड ऑन द ए टी एम स्क्रीन ऑफ ऑल पार्टिसिपेटिंग बैंक्स सो ये आप देख सकते हैं हेडक्वार्टर ऑफ मास्टर कार्ड न्यूयॉर्क यूएसए में है सी ओ माइकल मे बैक है एज ऑन फरवरी नाइन इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी और इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ने साइन किया एम ओ यू फॉर कोलाबोरेशन इन यूटिलाइजिंग द टेलीलेक्चरिंग फैसिलिटी ऑफ ज्ञान दर्शन चैनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोडक्शन सेंटर फॉर टेलीकास्ट ऑफ इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम थ्रू डिस्टेंस लर्निंग मोड तो ज्ञान दर्शन चैनल जो दूरदर्शन का आता है उसे यूज करेंगे फॉर टेलीकास्टिंग अबाउट द इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स मेघालय पुलिस ने in e साइन तो e किया है एम ओ यू विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन कनेक्शन विद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई चलान विद इन द जुरस्टिक्शन ऑफ शिलॉन्ग ट्रैफिक पुलिस ये डिजिटल ट्रैफिक इन्फोर्समेंट सोल्यूशन है जिसमें इंपोज होंगी पेनल्टीज वायलेटर ऑफ ट्रैफिक रूल्स एंड जनरेटिंग ऑफ चलान होगा डिजिटली तो ये मेघालय पुलिस और एस बी आई ने ये ई चलान पॉलिसी का एम ओ यू साइन किया है हेडक्वार्टर एस बी आई बैंक के मुंबई महाराष्ट्र में है चेयरमैन है इसके दिनेश कुमार खरा एम डी छला श्रीनिवासुलू सेट्टी हैं अश्विनी भाटिया अश्विनी कुमार तिवारी और स्वामीनाथन जैन की रामन है गोया शिपयार्ड लिमिटेड ने पांच एग्रीमेंट बनाए हैं विद वेरियस इंडस्ट्री पार्टनर ताकि वो एक्सपैंड कर सके अपनी कैपेसिटी फॉर इंडिजीनियस शिप बिल्डिंग जो गोया शिपयार्ड लिमिटेड जीएसएल है कोलेबोरेट करेगी सिंगापुर बेस्ड फर्म सी के साथ टू एक्सप्लोर इंजीनियरिंग डिजाइन वर्क जीएसएल ऑल्सो एक्सप्लोर कर रही है एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोल क्राफ्ट एंड ऑफ श्योर पेट्रोल वेसल्स टू बांग्लादेश इन्होंने एमओयू साइन किए हैं विद हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ऑल्सो तो एम डी एन चेयरमैन ऑफ गोवा शिप यार्ड है भरत भूषण नागपाल फरवरी 11 को एम यू साइन हुआ है फॉर फर्दरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन इंडियन नेवी एंड आई आई टी डेली ऑन रिसर्च इन अंडर वाटर डोमेन ऑफ नेवी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम रिसर्च कैरी आउट हुई थी एट आई आई और इसने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन टेक्नोलॉजिकल एडवांस मेड बाय द इंडियन नेवी चीफ ऑफ इंडियन नेवी हैं एडमिरल करमबीर सिंह वाइस चीफ हैं जी अशोक कुमार फरवरी नौ को जम्मू कश्मीर ने ज्वाइन किए हैं हैंड्स विद यूके बेस्ड स्पेस एजेंसी फॉर अ कोलाबोरेटिव प्रोजेक्ट ऑन इम्पैक्ट बेस्ड फोर फ्लड फॉरकास्टिंग नेशनल स्पेस इनोवेशन प्रोग्राम एन जो कि अंडरटेकन किया है एच आर वेलिंगफोर्ड ने इन कोलाबोरेशन विद ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी सीयर्स एंड पार्टनर्स लिमिटेड और डी ऑर्बिट ये एक इनिशिएटिव है जो सपोर्ट करता है कोलाबोरेटिव प्रोजेक्ट्स बिटवीन यूके बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन और इलेक्ट्रिक इंटरनेशनल पार्टनर्स को तो जे एंड बेस्ड स्पेस एजेंसी पार्टनरशिप है फॉर इम्पैक्ट बेस्ड फ्लड फोरकास्टिंग फरवरी 11 को हरियाणा की माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डिपार्टमेंट ने साइन किए हैं एम ओ यू विथ थ्री ई कॉमर्स कंपनी ई बे पावर टू एस एम ई ट्रेड इंडिया डॉट कॉम ताकि प्रोडक्ट जो मैन्यूफेक्चर हैं बाय एम एस एम ई ऑफ हरियाणा ये ग्लोबल मार्केट तक पहुँच सकें ये एम ओ यू जो है अनप्रेजिडेंटेड लेवल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ न्यू एंट्रप्रनोरस के लिए क्रिएट करेंगे तो आप देख सकते हैं फरवरी 11 को फ्लिपकार्ट ने साइन किया एम ओ यू विद महाराष्ट्र स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन एंड महाराष्ट्र स्टेट खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड इसके अंदर बूस्ट होंगी ऑनलाइन सेल्स ऑफ हैंडमेड आर्टीक्राफ्ट इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस ऑफ महाराष्ट्र फ्लिपकार्ट का समर्थ प्रोग्राम लॉन्च हुआ है दो में जो कि बिल्ड करता है सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म फॉर अंडर सर्वड डोमेस्टिक कम्युनिटीज एंड चेयरपर्सन बिनी बल्सन है सी यू कल्याण कृष्णमूर्ति हैं हेडक्वार्टर फ्लिपकार्ट के हैं बेंगलोर कर्नाटक में फरवरी ११ को चार फ्रेंच कंपनीज ए कलर प्रिशिया मोलन टाइमेक एग्रो ने साइन किए हैं लेटर ऑफ इन्वेस्टमेंट विद द तमिलनाडु गवर्नमेंट विद एन इंटेंट टू इन्वेस्ट रुपीज टू हंड्रेड करोड़ इन द स्टेट ड्यूरिंग द इफकी इंडो इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव दो हजार इक्कीस फ्रांस की कैपिटल है पेरिस करेंसी है यूरो प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है पीएम है जीन कैसटैक्स फरवरी दस को स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने पार्टनर किया है फोन पे के साथ ताकि वो ऑफर कर सकेंगे आरोग्य संजीवनी पॉलिसी ये एक डिजिटल हेल्थ इंश्योरेंस है थ्रू फोन पे डिजिटल प्लेटफॉर्म पॉलिसी कवर करती है किसी को भी अप टू सिक्सटी फाइव ईयर्स विद सम इंश्योर्ड ऑप्शन अप टू रुपीज़ दस लाख विद एनुअल प्रीमियम ऑफ रुपीज़ टू नाइन एट फाइव एक्सक्लूडिंग जी एस टी तो ये आप देख सकते हैं फरवरी 12 को आई सी आई सी ने लॉन्च किए हैं कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स 2020 ये इंडिकेटर हैं कंपनी के रिस्क एक्सपोजर और प्रिपेरनेस के स्पैन करते हैं अक्रॉस 15 सेक्टर्स ऑफ द इकानमी और 150 सौ कंपनीज इसके अंदर आती हैं अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स इंडिया का कॉरपोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स स्कोर है फिफ्टी सेवन विच एम्प्लाइज दैट फर्म्स आर हैंडलिंग रिस्क इफेक्टिवली तो आई सी आई सी ने ही लॉन्च किया है एम डी और सी ई आई सी आई सी लोम्बाट के हैं भार्गव दास गुप्ता फरवरी ग्यारह को हैवलेट पैका्ड इंडिया और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने इंक की है पार्टनरशिप टू प्रोवाइड वर्कशीट्स एंड कंटेंट टू फैसिलिटेट होम लर्निंग अर्ली स्किल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया इस पार्टनरशिप के अंदर एन एस डी सी जो है वो होस्ट करेंगे कॉन्टेंट फ्रॉम एच पी स्प्रिंट लर्न सेंटर ऑन इट डिजिटल स्किलिंग प्लेटफॉर्म ई स्किल इंडिया तो ई स्किल इंडिया प्लेटफॉर्म बिलोंग करता है टू एन एस डी सी हेडक्वार्टर ऑफ एनएसडीसी एस न्यू दिल्ली में एमडीओ सी मनीष कुमार है फरवरी 12 को बिहार गवर्नमेंट ने साइन किया एमओयू विद यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम फॉर क्लाइमेट रेजिलेंस लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन यू जो है प्रोवाइड करेगा टेक्निकलिस्टेंस टू बिहार टू प्रिपेयर इट ग्रीन हाउस गैस एंड कैरी आउट क्लाइमेट इंपैक्ट एन एर एंडिटीट फरवरी आठ को पेंग्विन किया है कि वो न्यू नोवल एक्विजिशन करेंगे द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़ बाय अवार्ड विनिंग राइटर जर्नलिस्ट और स्पीकर मेघना पंत बुक रिलीज होगी अप्रैल 2021 में और मेजर मोशन पिक्चर बनेगी अंडर द टाइटल बदनाम लाडू तो मेघना पंत जो है इस बुक की ऑथर होंगी टर्न अराउंड 2020 सरमाउंटिंग पास लेगेसी ये बुक है ऑन क्रिएटिंग इकोनॉमिक अवेयरनेस अबाउट अमंग द मासेस ऑथर्ड बाय आर पी गुप्ता लॉन्च हुई है फरवरी दस को बाय मिस्टर जुआल ओरम ऑनरेबल एम पी एंड चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो टर्न आउट दो हज़ार बीस है पास ले किसी सुशांत चौई नॉवेल्स ट्रस्ट एक्सरसाइज ने विन किया है नेशनल बुक अवार्ड दो हजार उन्नीस फॉर फिक्शन सारा एम ग्रूम की मेमोरियल येलो हाउस ने वॉन किया है नॉन फिक्शन और मार्टिन डब्ल्यू सेंडर्स नाइनटीन नाइनटी नाइन द ईयर डेट चेंज अमेरिका ने वॉन किया है फॉर यंग पीपल लिटरेचर सो so, ये आप देख सकते हैं सुसैन चॉय की नोवल ट्रस्ट एक्सरसाइज ने वॉन किया है नेशनल बुक अवार्ड 2019 फॉर फिक्शन और सारा एम रूमर की द येलो हाउस ने वॉन किया है नेशनल अवार्ड 2019 फॉर नॉन फिक्शन मार्टिन एम डब्ल्यू सेंडर की 1919 की द ईयर दैट चेंज अमेरिका वॉन फॉर यंग पीपल लिटरेचर अमेरिकन अवार्ड है कमलाज वे अ न्यू बायोग्राफी ऑफ कमला हैरिस इज ऑथर्ड बाई कैलिफोर्निया जर्नलिस्ट डैन मोरेन ये बुक डीप रीडिंग है कमला हैरिस और उसकी उनकी पॉलिटिक्स की उनके व्यूज गन कंट्रोल एजुकेशन पे और ये बताते हैं कि व्हाट इज शी लाइकली टू डू इन द वाइट हाउस फरवरी नौ को एक्टर प्रोड्यूसर राजीव कपूर पासड अवे एट द एज ऑफ फिफ्टी ये यंगेस्ट सन थे वेटरन फिल्म मेकर राज कपूर के और सिबलिंग थे ऋषि और रणधीर कपूर के ही वॉज एफेक्शली नोन एज चिंपू बंसी कॉल हैज पासड अवे ऑन फेब्ररी सिक्स आफ्टर बैटल विद कैंसर ये मास्टर स्टेज क्राफ्ट मास्टर थे स्टेज क्राफ्ट ऑफ पेंटिंग के और वन ऑफ द डिज़ाइनर्स थे ओपनिंग सेरेमनी ऑफ 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स इन दिल्ली के उन्नीस में इन्होंने फाउंड की थी रंग विदुष विदूषक रिपोर्टरी इन भोपाल पद्मश्री इन्हें 2014 में आर्ट के लिए और संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला है उन्नीस के अंदर तो इंडियन थिएटर डायरेक्टर थे जॉर्ज शुल्स यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पास अवे हो गए हैं एट द एज ऑफ हंड्रेड यूएस एस शुल्स जो हैं ये इन्होंने स्टेटमेंटशिप बिजनेस और अकेडमिया के अंदर बहुत ज्यादा सक्सेस अचीव की थी ये अमेरिका के टॉप डिप्लोमेट थे फ्रॉम 1982 टू अंडर रिपब्लिकन रीगन और इन्होंने चार एक कंक्लूजन किया था फोर डिकेड लॉन्ग कोल्ड वॉर का यूएस फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट पास फरवरी सात को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, ने प्रेज लेक की गुलाम नबी आजाद पे जिनका टेन्योर अपर हाउस में खत्म हो गया फरवरी पंद्रह दो हजार इक्कीस को 2005 में फर्स्ट टाइम गुलाम नबी आज़ाद चीफ मिनिस्टर बने थे जम्मू एंड कश्मीर के जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा और राज्यसभा मेंबर थे फ्रॉम जे के गुलाम नबी आज़ाद रशिया ने प्लान किया है कि वो ऑबिट पुट करेगा अराउंड फोर्टी सेटेलाइट्स की फ्राम एटीन डिफरेंट कंट्रीज यूजिंग सो यूज टू करियर रॉकेट इन मार्च तो ये मार्च के अंदर इन्होंने पुट करना है और अभी मार्च चल रहा है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इन्होंने ये पुट कर दिया है रशिया की कैपिटल है मॉस्को रशियन रूबल इसकी करेंसी है पीएम है मिखेल मुश्तुशन प्रेसिडेंट है व्लादिमिर पुतिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने डेवलप किया है वर्ल्ड का पहला फ्यूचरिस्टिक हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट बाय यूजिंग कंबाइंड एयर टीम टीमिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ये स्यूडो सैटेलाइट विल बी सोलर एनर्जाइज और बिग एसेट फ्लाइंग अनमैंड अराउंड सत्तर फुट फॉर टू टू थ्री मंथस टेकिंग इन्फॉर्मेशन ठीक है तो ये जो है ये बहुत हाई एल्टीट्यूड पे उड़ेगा सत्तर हज़ार फीट पे उड़ेगा और दो से तीन मंथ तक ये उड़ सकता है तो ये एच ने डेवलप किया है ड्यूरिंग यूजिंग कैट्स टेक्नोलॉजी बेंगलुरु कर्नाटका में हेड क्वार्टर्स हैं और सी है हैं अमिताभ भट्ट फेबर नौ को यू का स्केप स्पेसक्राफ्ट नेमली अल अमाल और होप प्रो एंटर हो गया है ऑर्बिट में अराउंड मार्स इन हिस्टोरिक फ्लाइट अमीराती बिल्ट होप प्रोब लॉन्च हुआ था टंग शीमा जापान से सात महीने पहले ये मार्स के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है उसकी गैदर करेगा इंफॉर्मेशन ये अरब वर्ल्ड का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन है तो यू ए के स्पेसक्राफ्ट है नेमली अल अमाल और होप प्रोब ये एंटर हुआ है ऑर्बिट में अराउंड मार्स यू की कैपिटल है धाबी करेंसी है दरहाम प्रेजिडेंट है खलीफा बिन जैद अल नाहन फरवरी नौ को रिसर्चर्स एट आई आई खड़गपुर ने डेवलप किया है एनर्जी एफिशिएंट पेस्ट कंट्रोलिंग डिवाइस फॉर स्मॉलर एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट ओन बाय मार्जिनल फार्मर्स रिसर्च टीम ने डेवलप किया है सेल्फ प्रोपेल्ड बूम टाइप स्प्रेयर दैट कैन बी ऑपरेटेड यूजिंग सोलर एनर्जी तो आई आई द्वारा डेवलप्ड है ये सोलर पावर्ड पेस्ट कंट्रोल सिस्टम फॉर स्मॉलर फार्म फील्ड्स न्यू वेराइटी ऑफ मैरीगोल्ड कॉल अर्का शुभा रिसेंटली डेवलप हुआ है बाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च इसमें 2.8 पॉइंट एट परसेंट कैरोन कंटेंट है विच इज डबल दैट ऑफ अदर मैरी गोल्ड्स इसकी वैल्यू इवन इफ इट गेट स्पॉइल्ड आफ्टर फुल ब्लूम कैन बी यूज फॉर द एक्सटेंशन ऑफ क्रूड कैरोटीन अर्का शुभा वेराटी जो है ये पोल्ट्री सेक्टर में भी यूज की जाती है डिवेलप किया गया है इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च आई आई एच आर में फरवरी ग्यारह को पाकिस्तान ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर की है बाबर ये शॉर्ट रेंज सर्फेस टू सर्फेस ब्लास्टिक मिसाइल केपेबल है हिटिंग लैंड एंड सी टारगेट्स विद हाई अप टू 490 किलोमीटर अवे पाकिस्तान ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर की है बाबर रेंज ऑफ मिसाइल चार सौ नब्बे है पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद करेंसी है पाकिस्तानी रुपी पी एम है इमरान खान प्रेजिडेंट है आरिफ अलवी अदर मिजाइल्स ऑफ पाकिस्तान है शाहिन थ्री गजनवी और फतेह वन थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विद स्मार्ट किडा फॉर दिस मॉकड्रिल आई वेल मीट यू विद मॉकड्रिल फोर वेरी शॉर्टली